व्हाट्सअप गाइस, तो आज मैं आपके लिए और 5 पिक्सल ऐप की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए एक ब्लैक बैकग्राउंड चुन लें एंड उसके बाद अपना कोई भी लेटर लिख लें एंड देन एक बोल्ड फॉन्ट देना है इसे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फॉन्ट चूज़ करता हूँ, जिसके बाद आपको इसे सेंटर में लेके आना है अच्छे से एंड एक शेप लेना है रेक्टेंगल। पीछे लेके आना है टेक्स्ट को, जिसके बाद उन दोनों को मर्ज कर देना है। अब आपको इसे डुप्लीकेट करना है, इसे पीछे लेके आना है डुप्लीकेट वन को, जिसके बाद हमें अब इसे शैडो देना होगा। अब हम ये जो पीछे का उसे डुप्लीकेट करेंगे एंड उसे भी और पीछे लेकर जाएंगे एंड सेम इसे भी शैडो देंगे। उसके बाद हमें और डुप्लीकेट करकर और पीछे लेकर जाना है। ऐसा ही सेम प्रोसेस है शैडो देने हैं आपको। इन दी एंड सारे लेयर्स को अच्छे से एक ही एक्सिस में अलाइन कर दें ताकि थोड़ा अच्छा दिखे एंड सेंटर वाले को अच्छे से शेडोज दे दीजिए, दो भी साइड शेडोज अच्छे दे दीजिए। Now this is almost ready। तो ये रहा फोटोशॉप जैसा टेक्स्ट इफेक्ट। अब नेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सेम बैकग्राउंड लें एंड अब हम इसे भी बोल्ड करेंगे। टेक्स्ट को बोल्ड करने के बाद अब हमें पर्सपेक्टिव में जाना है एंड ऐसा कर देना है। याद रहे आप ऐसा ही शेप बनाएं। उसके बाद अब हमें इसे एक ग्रेडियंट देना होगा, तो ग्रेडियंट दे देते हैं कुछ ऐसा तरह का ग्रेडियंट दीजिए, ऊपर वाइट एंड नीचे ग्रे। उसके बाद इसे 90 डिग्री एंगल पर घुमा दीजिए एंड साइड में रख दीजिए। अब आपको इसे टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है एंड जो डुप्लीकेट टेक्स्ट है उसे 3D में जाकर अच्छे से अलाइन करने के बाद एक्स एक्सिस को माइनस में थोड़ा करना है एंड ऐसा ही सेम करते रहना है डुप्लीकेट करने के बाद भी।
अब उसके बाद इन तीन टेक्स्ट को मर्ज कर देना है और अब हमें इसे डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट करने के बाद अब हम इसे 180 डिग्रीज पर घुमा देंगे। डी में जाने के बाद रोटेशन में जाना है एंड 180 डिग्री एंगल पर घुमा देना है एंड ये टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट होने ही वाला है। और यहाँ पर आप शेडोज ना भी दें तभी भी ये अच्छा ही लगेगा, उतनी ज़रूरत नहीं है। और ये टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हुआ फोटोशॉप के जैसा आपके पिक्सल लैब में। एक 3D स्फीयर क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड में जाएं एंड उसे एक ग्रेडियंट दें। तो मैं एक ग्रेडियंट दे रहा हूँ, आपको ऐसा ग्रेडियंट देना है जो लास्ट का है वो बहुत ज़्यादा डार्क रहना चाहिए एंड जो मिडिल में है वो अच्छी तरह से सैचुरेटेड रहना चाहिए एंड जो फर्स्ट में है उसे बहुत ज़्यादा लाइट रहना चाहिए ताकि लाइट आते हुए दिखे उस ग्रेडियंट में। तो हम ओके कर लेते हैं। तो ऐसा आपको क्रिएट करना है। उसके बाद आपको एक सर्कल लेना है और उसे भी सेम ग्रेडियंट देना है। अब शैडोज देने के बाद इनर शैडोज में जाना है एंड वाइट कलर देना है। जिसके बाद अब हम लाइट के डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा वाइट दिखाएंगे ताकि ये और भी ज़्यादा 3D दिखे स्फीयर। नेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने लेटर को वाइट बैकग्राउंड पर रख लें या फिर वाइट टेक्स्ट को ब्लैक बैकग्राउंड में, सेम ही होगा। देन उसे डुप्लीकेट कर दो भी टेक्स्ट को एक ही मिडिल डायरेक्शन में मिडिल में अलाइन कर दें। जिसके बाद आपको शेप लेना है एंड उन्हें डायगोनली अच्छे से रखना है दो भी टेक्स्ट के ऊपर। देन
एक टेक्स्ट को एक रेक्टेंगल के साथ मर्ज कर दीजिए, दूसरे टेक्स्ट को दूसरे रेक्टेंगल के साथ। उसके बाद किसी एक को सिलेक्ट कर रिमूव वाइट कलर में जाकर उसमें से कलर इरेज कर दीजिए वाइट कलर। एंड देन नेक्स्ट में भी सेम ऐसा ही कर दीजिए, वाइट कलर को इरेज कर दीजिए। उसके बाद आपका टेक्स्ट इफेक्ट रेडी है। अब हम इसे थोड़ा एक्सेंट्स में थोड़ा ज़्यादा हटा देंगे ताकि ये स्लाइड होता हुआ दिखे। आप चाहें तो शेडोज दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी, शेडोज की वजह से थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ये हमारा इफेक्ट तैयार है। टेक्स्ट पे अच्छा टेक्सचर लेके आने के लिए पहले आप एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए एंड अब एक कलर दीजिए बैकग्राउंड को, आपके पसंद का कलर दे सकते हैं। मैं एक ग्रेडियंट दे देता हूँ। ग्रेडियंट में देने के बाद टेक्स्ट पर आइए एंड टेक्सचर टूल पर क्लिक कीजिए एंड अपने टेक्सचर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके करिए। उसके बाद आपके टेक्स्ट को आप किसी भी फ्रेंड कौन सा भी फोन दे सकते हैं एंड उसके बाद आप शेडो दे दीजिए। शेडो की ओपेसिटी थोड़ी कम कर दीजिए एंड उसे एक डायरेक्शन दे दीजिए, और भी ओपेसिटी कम कर देते हैं एंड रेडी है आपका टेक्सचर परफेक्ट। तो अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकॉन। सी यू लेटर।